तो गाइस मैं अभी खड़ा हूँ रांची के रिंग रोड पर और आप मेरे पीछे में जो बोर्ड देख रहे हैं वो है बायोडाइवर्सिटी का उद्यान का आपको स्वागत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं और यह आपको रांची में मिल जाएगा। और देखिए मेरे बाएं साइड में रांची का रिंग रोड है और कैमरा मैन को बहुत सारे थोड़ा दिखाने के लिए बोल रही है समझ आ रहा है। देखिए मेरे बाएं साइड में भी दिखाइए थोड़ा सा कैमरा मैन देखिए हमारा रांची का रिंग रोड। हम लोग इधर से पूरा रांची को घूम सकते हैं। देखिए लोगों का आना जाना इस रास्ते में पूरे तरीके से देखिए अभी यहाँ पे जो है पीछे मेरी रास्ता जाते हैं यही आपको ले जाएंगे बाहर स्टार के और यहाँ से बात थोड़ा सा आप किस रास्ते से तो मैं अभी आप लोग को यहाँ से अंदर से ले जाता हूँ स्टार के क्या है क्या नहीं है। अगर आप लोग को मुझे पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिए तो चलिए मैं आप लोगों को आगे ले जाता हूँ बायोडाइवर्सिटी पार्क दोस्तों। जैसे कि आप लोग मेरे पीछे में देख सकते हैं मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ जैव विविधता उद्यान रांची में और ये बहुत बड़ा गेट मेरे सामने देख रहे हैं। साथ साथ आप लोग यहाँ पे सामने की ओर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को तो यह है स्टैंड। यहाँ पर आप अपना कार बाइक मोटरसाइकिल रख सकते हैं जिसमें भी आप लोग आते हैं अपने फैमिली के साथ में या अपने दोस्तों के साथ में। और ये देखिए यह है बाहर का नज़ारा गेट के सामने। इधर से भी देखिए लोगों का आना जाना है किस प्रकार से लगा हुआ है। यहाँ कुछ दुकानें भी लगी हुई हैं और देखिए लोग भी आ रहे हैं और जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए गेट की ओर से भी लोग जो हैं मेरे पीछे से आ ही रहे हैं। और दोस्तों यह जो पार्क है यह 540 एकड़ में फैला हुआ है तो यह बहुत बड़ा एरिया में है। तो यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की प्रजातियाँ देखने मिल जाएंगी। देखिए लोगों को मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इधर में किस प्रकार से लोग जो हैं ये लोग देख के घूम के जा रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों इस प्रकार के जो नज़ारे हैं वो आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। मेरे दोस्त लोग जो जिंदगी में गया था वो लोग वापस बाइक रख के आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर मैं अभी आप लोगों को आगे की ओर ले चलता हूँ तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। हेलो दोस्तों जैसे कि आप लोग मेरे पीछे में देख सकते हैं यह टिकट घर है और ये देखिए टिकट लिया जा रहा है। यहाँ पर देखिए टिकट लेने के लिए मेरे दोस्त लोग काउंटर की ओर गए हैं कुछ पैसे दिए जा रहे हैं। उसके बाद में हमें टिकट मिल जाएगा फिर हम लोग अंदर की ओर जाएंगे। जैसे कि पैसे दे दिए मेरे दोस्त ने। यहाँ पर देखिए आप जय विद्या उद्यान लाल खटंगा यहाँ पर COVID-19 से रिलेटेड सरकार की गाइडलाइन थी उसको भी दिखाया गया और कितने रुपये किस कितने लगते हैं इस चीज़ को भी यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर पोस्टर चिपका करके देखिए हमें यहाँ पर टिकट मिल गया है। ये मैं टिकट आप लोगों को थोड़ा सा दिखाता हूँ। यहाँ पर घूमने के लिए कुछ चार्ज लगते हैं तो यहाँ पर देखिए 240 रुपये लगा हुआ है और हम लोग 8 आदमी के थे मतलब 8 पर्सन के थे इसी हिसाब से हम लोगों को 240 रुपये का टिकट बना है। इस टिकट को लेकर के हम लोग जाएंगे। देखिए यहाँ पर टिकट घर के बाहर में लोगों का आना जाना अभी तक लगाए हुए आप लोग देख ही रहे हैं। ये देखिए सामने खड़ा है। चलिए मैं अब आप लोगों को गेट की ओर जाता हूँ। यहाँ पे गेट में घुसने से पहले जो है यहाँ पे गेट कीपर यानी कि जो सिक्योरिटी गार्ड है उनसे हम लोग टिकट को दिखाते हैं फिर वापस अंदर की ओर हम लोग चले जाएंगे।
पार्क में अंदर घुसने के बाद में देखिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ, मेरे पीछे में आप लोग नज़ारा भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं बैठा हूँ, ये जो है 540 एकड़ में फैला हुआ है। ये आप लोग देख सकते हैं लोगों का किस प्रकार से आना जाना लगा हुआ है। यहाँ पर बैठने का अच्छा सुविधा यहाँ पर दिया गया है बैठने के लिए, तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ और आप लोगों को कुछ कुछ बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 540 एकड़ में इसलिए एक दिन में कुछ घंटों में इसको घूम करके कंप्लीट करना मुश्किल है, तो मैंने और मेरे दोस्तों ने एक ही साइड में घूमने का प्लान बनाया। तो देखिए हम लोग एक साइड में ही जा पाएंगे, उसका जो भी नज़ारा होगा वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। देखिए लोग पीछे में अपना जो है फोटो ले रहे हैं, अपना जीवन कर्मों चल रहे उसको भी कैद करें। तो अभी मैं जो बैठा हूँ वो सारे पेड़ के नीचे में बैठा हूँ, यहाँ पे छाया भी लग रहा है और यहाँ बैठने का अच्छा जगह है। तो चलिए मैं अभी आप यहाँ पर एक साइड से ले जाता हूँ और यहाँ पर दिखाता हूँ कि क्या है, क्या नज़ारा है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे एक पार्क के सामने पहुँच गया हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे लोग किस प्रकार से पार्क में मस्ती कर रहे हैं, साथ ही उनके पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, और देखिए बच्चे लोग हर प्रकार से खेल अपना खेल रहे हैं। आप लोग मेरे अगल बगल जिधर भी देखना चाहेंगे उधर ही पूरे के पूरे आदमियों का आ जाना लगा हुआ, जैसे कि देखिए इधर से भी लोगों का आना जाना लगा हुआ है। सभी को अपने दोस्त ग्रुप के साथ में आए हैं, आप लोग इधर भी देख रहे हैं बच्चे लोगों के साथ साथ में, इधर जितने भी फैमिली वाले हैं सबके साथ जितना दूर तक आपका नज़ारा जा रहा है सहा सारे जगह पर। यहाँ पे बच्चे लोग उनके माता पिता पेरेंट्स आए हैं, देखिए बच्चे लोग यहाँ पे झूला झूल रहे हैं, साथ साथ सीढ़े चढ़ रहे हैं और चीसों वाला भी खेल खेल रहे हैं। यहाँ पे बच्चे लोग बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं, तो आप लोग भी अपने बच्चों के साथ में आइए अगर आप लोग फैमिली वाले हैं तो, और इंजॉय लीजिए। यहाँ पर हम लोग तो अभी फिलहाल यहीं पर पहुँचे, अभी और आगे का जो जानकारी होगा जो व्यू होगा वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू पॉन्ड इसको कहते हैं, यहाँ से पानी को जमा करके पूरे पार्क में पहुँचाया जाता है। यहाँ पे अभी पानी थोड़ा सा कम है, इसी कारण से यहाँ पानी अभी कम दिखाई दे रहा है, तो यहीं से सारे पार्क में पानी पहुँचाया जाता है। देखिए अभी हम लोग कुछ दूसरे रास्ते से हम लोग ऊपर के चलते हैं जहाँ पर ब्लू पॉन्ड है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए इस प्रकार से हम लोग उल्टी रास्ते से चलते हुए जा रहे हैं, देखते हैं कैसे क्या है क्या नहीं है, चढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा क्योंकि यह जो है थोड़ा सा चढ़ान वाला इलाका है। तो ये देखिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इस प्रकार से धीरे धीरे, थोड़ा झाड़ी और पेड़ पौधे की मात्रा बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर जो 540 एकड़ में फैला हुआ इसी कारण से यह इतना बड़ा एरिया है, इसमें पत्थर चट्टान सारी चीज़ें मिल जाएंगी आप लोगों को देखने के लिए। तो हम लोग जो सीधा रास्ता है उधर से न जा करके कुछ अलग रास्ते से हम लोग चढ़ते हुए जा रहे हैं, जिधर से हम लोगों को ब्लू पॉइंट मिला उधर से चढ़ रहे हैं। देखिए हम लोग ऊपर पहुँच गए हैं ब्लू पॉइंट की जगह पर, हम लोग उल्टे रास्ते से जा रहे हैं इसी कारण से इस प्रकार का नज़ारा देख रहे हैं। यहाँ भी देखिए फोटो खिंचा रहे हैं जो भी दर्शक
आए हैं देखने के लिए। ये थोड़ा सा गुफा टाइप का बना हुआ है, तो यहाँ पर भी फोटो को खींचे ले गए, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ सामने से। तो यह है, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से आगे का नज़ारा है। तो यही है जो सबसे ऊँचा जगह है जहाँ से आप लोग व्यू पॉइंट में देख सकते हैं। देखिए लोग यहाँ पर भी पहले से ही पहुँच चुके हैं और ये लोग जो है अपना फ़ोटो खिंचा रहे हैं। यहाँ पर बैठने के लिए भी दिया गया जगह है और यहाँ पर देखिए लोग किस प्रकार से बैठे हैं। दूर दूर तक आपको देखने मिलेगा जंगल झाड़ी ही मिलेगा देखने के लिए। देखिए लोग इस प्रकार से हैं और ये जो कुछ बना हुआ है वहाँ पर पान रखने के लिए व्यवस्था है, साथ साथ बैठने के लिए भी जगह है। देखिए लोग यहाँ पर भी फ़ोटो खिंचा रहे हैं खड़े होकर के, आप लोग यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। बस व्यू पॉइंट के बाद में हम लोग नीचे उतर रहे हैं, आप लोग यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से देख सकते हैं किस प्रकार से। और यहाँ पर आते आते आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर टर्टल यानी कि कछुआ बनाया हुआ है। तो इसको देखिए आप लोगों को सामने से मैं दिखा रहा हूँ, तो यही है टर्टल, टर्टल पार्क। इसको यहाँ पर साइन बोर्ड भी दिया गया है, आप लोग अभी थोड़ा देर के बाद में आप लोगों को देखने मिल जाएगा। देखिए सामने सामने में बनाया हुआ टर्टल पार्क, लेकिन यहाँ पर लिखा भी हुआ है टर्टल पार्क। कुछ कछुए आप लोगों को दिख रहे होंगे, ये देखिए टर्टल पार्क लिखा हुआ है। और टर्टल पार्क से होते हुए ही आप लोग आराम से आगे की ओर जाकर देख सकते हैं, व्यू पॉइंट का रास्ता भी इधर से ही है। देखिए यहाँ पे कुछ पानी भी है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं सनसेट पॉइंट एंड वाटरफॉल लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इधर से होकर के अभी आप लोग चढ़ के जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर कृपया घास पर न चले, ये भी गाइडलाइन दिया गया है, साथ साथ कुछ पानी जमा करके रखा गया है यहाँ पर, कुछ यूज़ में इसका होता है। और देखिए हम लोग अब यहाँ पर एक चीज़ और देख रहे हैं, यहाँ जो है पीने का पानी, यहाँ पर कुछ एक लोग है जो वह पानी पी रहे हैं। साथ ही हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए क्या क्या नज़ारा है, क्या नज़ारा है वो सब अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो फाइनली गाइस अभी शाम के 5 बज गए, आप लोग यहाँ पे गाड़ी में देख सकते हैं। और यहाँ से जो है लोगों का आना जाना लगा हुआ था, लेकिन अभी सभी को वापस जा रहे हैं। और यहाँ पर मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, देखिए आप यहाँ कैंटीन है, यहाँ कैंटीन में भी आप लोग आ करके कुछ खा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। देखिए अभी भी आदमी लोग कुछ कुछ हैं यहाँ पार्क में जो थोड़े से इन्जॉय कर ही रहे हैं, आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं। और उन लोगों को अभी लगभग 5 बजने ही वाला है, तो ये लोग भी आ ही जाएंगे। देखिए लोगों का आना जाना जो है वो अब धीरे धीरे आ ही रहे हैं। और देखिए वहाँ से गार्ड जो है वो लोग सीटी बजा रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी आ जाए, क्योंकि शाम होने वाली है। तो फिर हम लोग भी आगे की ओर चलते हैं। और देखिए मैं दूसरा हम लोग को यहाँ पे कहते हैं, देखिए आप लोग यहाँ पे आइएगा तो लोगों को कुछ ना कुछ खाने मिल जाएगा। तो फिर देखिए आगे मैं आप लोगों को ले चलता हूँ। देखिए लोग अभी भी कुछ बच्चे लोग जो हैं वो खेल खेल रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा इधर दिखाइएगा तो आप लोगों को दिख जाएगा कि अभी भी आदमी लोगों को आना जाना थोड़ा सा लगा हुआ, वो भी अब वापस ही आ रहे हैं। तो चलिए फिर हम लोग अब गेट से चलते हैं। गाइज फाइनली मैं गेट के सामने पहुंच गया हूं, आप लोग यहां पे देख सकते हैं गेट है। और पब्लिक जो है कुछ कुछ अभी यहां अगल बगल में है, आप लोग यहां पे देख सकते हैं। और कुछ पब्लिक अभी भी अंदर तरफ से आ रहे हैं। यह बहुत ही बहुत बड़ा जगह में फैला हुआ है, इसी कारण से हम लोग ने जितना दूर तय किया वहां से अभी आ ही रहे हैं। और देखिए गेट के सामने में ही आप लोगों को यहां पे मिल जाएगा धन्वंतरी औषधीय उद्यान। और यहीं पर देखिए कुछ मेरे फ्रेंड्स जो हैं वे लोग अपना फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, जो कि अपना जो जीवन का है मेमोरी वाला क्षण है उसको ये लोग कैद कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग भी आइए और कम से कम अपना फ़ोटो खिंचा के अपना जो है मेमोरी को बढ़ा लीजिएगा। देखिए यहाँ पर अगल बगल में इतना बड़ा कैंपस है कि मैं कुछ ज़्यादा बता नहीं सकता हूँ, दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश किया कि अधिक से अधिक आप लोगों को जानकारी मिले। और देखिए अभी भी बहुत सारे मेरे दोस्त लोग जो हैं वे लोग फ़ोटो क्लिक पे क्लिक किए जा रहे हैं। यहाँ भी अब मेरे कुछ दोस्त हैं जो यहाँ पे कुछ फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। और आदमी लोग जो हैं वो लोग अभी भी लास्ट पोजिशन का जो है फ़ोटो अपना क्लिक कर ले रहे हैं। अगर मैं चाहूँ तो आप लोगों को टाइम दिखा सकता हूँ। देखिए अभी जस्ट 5
बजने ही वाले हैं, तो थोड़ी देर में गेट क्लोज हो जाएगा। तो इसीलिए जितने भी आए हुए हैं दर्शनीय यहाँ पर जगह में, वे लोग अब जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए मैं भी अब यहाँ से जाता हूँ, और आगे के वीडियो के लिए या तो फिर थोड़ी सी और जानकारी जो होगी वो मैं आप लोगों को थोड़ी देर के बाद में बताऊँगा। तो चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ, आप लोग भी देख सकते हैं इधर भी अभी लोगों का आना जाना है, थोड़ा सा देख। हम लोग अब वापस की ओर जा रहे हैं, आप लोग यहाँ पर पीछे में सुन सकते हैं किस प्रकार का बीप मार रहा है। यहाँ पे जाने के लिए जो टाइम हो गया उसी को लेकर के ये बीप मारा जा रहा है, यहाँ पे जोर से आवाज़ करके। देखिए हम लोग रास्ते में बाहर की ओर जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए कुछ नज़ारा है, यहाँ से थोड़ा सा पानी का फुहारा है। साथ साथ अब देखिए जो यहाँ पे हम लोग बाहर निकलने का जो गेट है वहाँ पर भी लोग अभी भी फ़ोटो खींचा रहे हैं। और देखिए इधर से रास्ता जाने के लिए है, हम लोग वापस गेट की ओर जा रहे हैं, और यहीं से हम लोगों को गेट निकलने का रास्ता भी है। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर भी एक गार्ड बैठा हुआ है, वो भी देखने के लिए साथ ही साथ में। देखिए हम लोग इस प्रकार से गेट से बाहर निकल गए हैं, ये देखिए मेरे दोस्त भी देख के वापस आ गया गेट से बाहर। अब हम लोग रास्ते में आगे क्यों चल रहे हैं, फिर अभी हम लोग गाड़ी को जाएंगे। अब हम लोग जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए बाहर का नज़ारा। और देखिए हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से रेडी हो गए हैं जाने के लिए, तो आप लोग भी आइए अपने फैमिली के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, और यहाँ पे एंजॉय कीजिए, ये बहुत ही अच्छा जगह है।